तो देखिए, एनडीटीवी की तरफ से मुहिम भी चलाई गई, अभियान चलाया गया हूटर हटाओ, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। नंबर हमारा लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा, आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं बिना देर के। सबसे पहले अरविंद खरे जी के पास हम चलते हैं, जो कि रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ जुड़ गए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। अरविंद जी, देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पीएम मोदी ने 7 साल पहले ये बीड़ा उठाया, कानून भी बना इसको लेकर, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हूटर की बात की जाए, चाहे मंत्रियों की बात करें, नेताओं की बात करें, सभी की गाड़ियों पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। दलीलें सबकी आपने सुनी भी होंगी। हूटर का प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट में और ट्रैफिक के नियम में और सरकार के प्रदेश और केंद्र के किसी भी नियम में हूटर लगाने का नियम नहीं है। ये हूटर सिर्फ अपना रौब जमाने के लिए नेता और खासतौर से छोटे भैया नेता लोग इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है और जो हूटर लगाने की प्रथा है बिल्कुल अनुचित है और पब्लिक को बड़ा इरिटेट होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल बत्ती कल्चर समाप्त किया था उसका सब्स्टिट्यूट इन लोगों ने निकाला है, जो अपने को स्वयंभू बहुत बड़ा इंसान समझते हैं कि आम जनता से ऊपर हटके। ये भाजपा प्रधानमंत्री के मंशा के खिलाफ है। पूरे देश में सभी राज्यों में सरकार को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए। हूटर किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। सिर्फ हल्का सा एक आवाज का एम्बुलेंस की आवाज के लिए परमिशन दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा और किसी में नहीं दी गई। हूटर कंप्लीट अवैधानिक है और न्यूसेंस करने वाला है और आम जनता को परेशान करने वाला है। इसका तत्काल तौर पे बंद होना चाहिए। अरविंद जी, दोबारा आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे दर्शक मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं दयाल जी। दयाल जी, क्या आपकी राय है, क्या आपका सवाल है, पूछे। मैडम, मुझको ये एक जानकारी आपको बताना था कि यहाँ मुरैना जिले में हमारे में वीआईपी कल्चर बहुत हावी है। लोग होटल लगा लेते हैं, नेम प्लेट के आगे अपनी पद की पट्टी लगा लेते हैं, जो गलत है। और पद के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल बत्ती, हूटर, सभी वीआईपी कल्चर को खत्म कर रखा है, तो इसको भी खत्म होना चाहिए मैडम। बिल्कुल, तो आम जनता को बहुत ये खटकती है कि पुलिस आम जनता को तो पकड़ लेती है कभी कभी, और ये हूटर वाली गाड़ी बजाते हुए हूटर निकल जाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मेरा यही अनुरोध है आपके माध्यम से कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। और सभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के सभी जन एक समान है, तो सभी एक बराबर रहे, और जो प्रशासन की जरूरी गाड़ी है उन पर अगर हूटर या बत्ती लगानी है, फॉलो गाड़ी है प्रशासन की, पुलिस की, तो उन पर बत्ती लगे या हूटर लगे, सिर्फ उन्हीं पर लगे। मेरा तो बस आपसे यही निवेदन है, तो आप मेरी बात को प्रशासन तक रखें। तो चलिए, दयाल जी हमारे साथ जुड़े थे मुरैना से, और एनडीटीवी एमपीसीजी के जरिए वो यही अपील करना चाह रहे हैं कि कार्रवाई जो है इस पर होनी चाहिए। जो हूटर लगे से आम जनता काफी ज्यादा परेशान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दयाल जी हमसे जुड़ने के लिए। अब आमिर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ गुना से आमिर जी भी जुड़ गए। आमिर जी, अपनी राय रखें। मैडम जी, हमारे यहाँ पे फालतू लोग हूटर लगाए हैं, हर वक्त बजाते फिरते हैं, तो कार्रवाई होना चाहिए प्रशासक की गाड़ियों पे छोड़ के। बाकी लोग जो लोकल के लोग लगाए हैं, उन्होंने गाड़ियां ले ली हैं चाहे जो ने, तो वो उधर बजाते रहते, प्रशासक इस पर कार्रवाई नहीं करता। तो कार्रवाई जब प्रधानमंत्री और शासन की जब इसमें बंद है, तो इसको रोका जाए, यही निवेदन है हमारा। तो चलिए, आमिर जी गुना से जुड़ रहे थे, और आमिर जी का भी यही कहना है कि कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब बंद हो चुका है उसके बावजूद भी सड़क पर जब गाड़ियां निकलती है तो उस पर हूटर क्यों बसते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप चलिए जल्दी से इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार हमारे साथ जुड़े, इजहार देखिए, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे, अरविंद जिससे भी हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि देखिए, जब वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है तो आखिर क्यों अभी भी नेताओं और मंत्रियों की गाड़ी में हूटर क्यों लगे हैं? क्या नियमों की अनदेखी है, या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ में दर्शक है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। देखिए, जो नियम विरुद्ध तरीके से लोग हूटर लगा के घूम रहे हैं, वीआईपी कल्चर को अपना रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि आए दिन हूटर बजता रहता है, जबकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होता है, एसेंशियल सर्विसेज के होता है, लेकिन आम आदमी और नेता हूटर लगाकर लगातार घूम रहे हैं, क्या देखें? बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, और ये केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए होना चाहिए, जैसे कि फायर ब्रिगेड हुए और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी अगर मरीज आता उनके लिए होना चाहिए। बाकी के अन्य सिर्फ जो लोग आम पब्लिक है, जो हमने भी देखा है, कई लोग हूटर बजा के और
पब्लिक को डराने का भी प्रयास करते हैं। कई बार लोग डर भी जाते हैं इसके वजह से कि कौन आ रहा है, ऐसे में कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ऐसे हुटर के वजह से। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक शान शौकत का प्रतीक बना लिया है हुटर को, महंगी गाड़ी खरीदी, हुटर लगा लिया और जहां चाहे वहां बजा दिया। बिल्कुल, ये देखने में आ रहा है कि जो चीज़ें इनके लिए जो एलिजिबल नहीं है, जो बंदा है ना जिसको इस चीज़ की पात्रता नहीं है, वो है ना इस चीज़ को ना आगे बढ़ा रहा है। और इस बात का ये प्रतीक होता है कि एक आम आदमी कभी छोटी सी लाइट भी लगा लेता तो उसके खिलाफ है ना ट्रैफिक पुलिस चालान कर देती है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो अननेसरी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जबकि ये है ना पब्लिक हित के लिए बनाया गया है कि जहाँ इनकी आवश्यकता है, जैसे एम्बुलेंस है या उनको लगा सकते हैं, या कोई भी है ना व्यक्ति है ना इमरजेंसी में जा रहा है तो उनको लगाने की पात्रता है, क्योंकि पात्रता तो किसी को नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत उसी समय होती है ना कि आम पब्लिक के लिए। ऐसे लोगों को खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि ये सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या वीआईपी हो। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर बड़ी बात कही है, हमारे साथ मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि एक आम आदमी अगर एक छोटी सी लाइट भी अपनी कार पे लगा लेता है तो ट्रैफिक पुलिस उस पर कार्रवाई कर देती है, लेकिन जो वीआईपी बनने वाले सो कॉल्ड वीआईपी हैं वो अपनी कारों पर हुटर लगाकर घूमते रहते हैं। और हमारे दूसरे जो साथ में स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने कहा कि कई बार कोशिश की जाती है वीआईपीनेस दिखाने की, लोग डर जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो अब ज़रूरत है ऐसे अवैध रूप से हुटर लगाकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की ज़रूरत है, सख्त कदम बनाने होंगे और कड़े फैसले लेने होंगे, तब कहीं इस पर रोक लग पाएगी। जी बिल्कुल, इस साथ दोबारा लौटूंगी अरविंद जी आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। दर्शक हमारे साथ दो जुड़े हुए थे, साथ ही साथ जो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक सवाल जो कॉमन सामने निकल कर आया कि हुटर जब मंत्री या नेताओं की गाड़ी पर लगा होता है तब कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वही हुटर आम लोग लगा लेते हैं तो इस पर कार्रवाई हो जाती है। ये गलत बात है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आम लोग हो चाहे नेता हो। मोटर व्हीकल एक्ट और गवर्नमेंट के जो नियम बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब पे लागू होते हैं। नेता भी यदि लगाते हैं तो वो भी गलत है, और प्राइवेट लोग लगाते वो तो गलत है ही। मेरे विचार से ये इसके संबंध में पुलिस का स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना चाहिए, जितने हुटर लगे सबको सामूहिक तौर पर, जिस दिन एक दिन में सारे हुटर उतर जाएंगे, जिस दिन मध्य प्रदेश के डीजीपी या गवर्नमेंट चाहेगी कि हुटर नहीं चलना है तो एक दिन में सारे उतर जाएंगे। इसमें मुख्यतः क्या होता है, ड्राइवर लोग अपनी सुविधा अनुसार कि ट्रैफिक में गाड़ी ना उनकी उलझे, ट्रैफिक के उन्हें सामना ना करना पड़े। एक्चुअली इसका जो कल्चर था मैं लाल बत्ती हटाने का, ये था कि आम वीआईपी लोगों को, खासतौर से मंत्रियों को और नेताओं को, आम जनता का ट्रैफिक का अनुभव हो सके। हम भी अधिकारी रहे कुछ समय तक तो हमें भी पता नहीं चलता था, जब गाड़ी की पीली बत्ती या हुटर लगा के चलते थे तो समय का समस्या जनता की मालूम नहीं पड़ती थी। उसी रोड पर जब मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से चलता था तो मालूम पड़ता था कहाँ पर आम जनता को परेशानी हो रही, तो उसके लिए हम उपाय करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य है, चाहे नेता हो या जो भी हो, आम लोगों की परेशानी उनको हुटर और पीली बत्ती लाल बत्ती से मालूम नहीं पड़ती। तो कानून जहां तक है सबके लिए एक है, बिल्कुल अरविंद जी, कानून यहाँ पर सबके लिए एक है और पुलिस को भी बिल्कुल बराबरी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए, तभी शायद ये हुटर बंद हो पाएगा। अरविंद जी दोबारा आपके पास लौटूंगी। विनीता जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गई है, दर्शक है। विनीता जी क्या कुछ आपका सवाल या राय आपकी रखें? हाँ मैडम, ये है कि ये वीआईपी लोग जो नियम बनाते हैं मंत्री लोग, ये लोग ही अपने उसमें गाड़ियों में हुटर लगा के चलते हैं, तो ये बिल्कुल इनका हटाना चाहिए। इससे क्या है, ये लोग ट्रैफिक रूल का भी उल्लंघन होता है, क्योंकि ये लोग हुटर बजाते हुए निकल जाते हैं, कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट इसी उसमें हो जाते हैं, क्योंकि आम लोग तो खड़े रहते हैं और ये लोग अपने हुटर को बजा के आके निकल जाते हैं। तो अगर इन पे रोक लगेगी इनके हुटर पे, तो उससे ये क्या होगा कि ट्रैफिक का नियम भी बना रहेगा और ये एक्सीडेंट वगैरह भी कम होंगे, और इसलिए जो ये नियम बना रहे हैं नेता मंत्री, इनका ही हुटर सबसे पहले हटाना चाहिए। आम जनता के लिए तो रूल बने हुए हैं कि नहीं लगाना तो उन्हें चालान भी कर दिया जाता, पर इनके ऊपर कोई चालान नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। और आजकल जो ट्रैफिक पे वो गार्ड खड़े रहते हैं तो वो भी नहीं रहते, इसलिए इनको और छूट मिल गई है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो चलिए, ध्यान देने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी ये हुटर हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। अब जल्दी से देवेंद्र का रुख कर लेते हैं, सिंगरौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और देवेंद्र हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे भी थे, रियलिटी चेक भी उन्होंने किया था, और दलीलें हमने सुनी थी देवेंद्र अलग अलग नेताओं की कि अनाउंसमेंट के लिए वो अपनी गाड़ी में हुटर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नियम तो ये है कि हुटर लगाना ही नहीं है। देवेंद्र
जी बिल्कुल रित, मैं बताना चाहूंगा कि मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मंशा थी कि वीआईपी कल्चर को हटाया जाए, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें तो अभी भी 7 साल का वक्त गुजर गया है और वीआईपी कल्चर जो है अभी हटा नहीं है, और यही वजह है अपने आप को जनता के बीच में रौब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गाड़ियों में लाल बत्ती तो हट गई है, लेकिन लाल बत्ती की जगह होटल लगा के चलते हैं। नेता ही नहीं, सिर्फ अधिकारी वर्ग के लोग या एक तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के जो ऑफिसर हैं वो भी अपनी गाड़ियों में होटल लगा के चलते हैं। हालांकि होटल लगाने की परमिशन इनको नहीं है, लेकिन ये खुद ही कानून का उल्लंघन करते नजर आता है। अगर यही आम व्यक्ति करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अब कहा जाता है ना कि सैया भय कोतवाल तो कहे का डर, तो इस जब अधिकारी ही खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो इस पर कार्यवाही कौन करेगा, चूंकि जिनके हाथों में कानून की जिम्मेदारी है वो खुद ही कानून का कर रहे हैं। जी रितु, चलिए देवित दोबारा आपके पास लौटूंगी। इजहार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। इजहार, देखिए सवाल बार बार यही घूम फिर कर खड़ा हो रहा है कि देखिए नियम बना है, कानून बना है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो शायद गाड़ियों पर ये होटल नजर नहीं आएंगे। देखिए अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस कार्रवाई की कोशिश करती है, लेकिन ये देखने में आता है कि जो सत्ता है कहीं ना कहीं उसमें इसका दखल देखने को मिलता है। हमने देखा है कि कई चौक चौराहों पर पुलिस वाले गाड़ी को रोक लेते हैं, चालानी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में ही उनके पास किसी बड़े अधिकारी या फिर सत्ता से जुड़े किसी नेता का फ़ोन आ जाता है और उन्हें मजबूरन में गाड़ी छोड़ना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई नियम है और उसको केंद्र सरकार ने पारित किया है, पीएम मोदी ने पारित करवाया है, तो उस पर अमल करने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है बड़े अधिकारियों की, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है नेताओं की कि अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हूटर लगाकर पकड़ा जाता है तो फिर उसकी दोबारा लौटूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, संजय तिवारी जी हमारे साथ सतना से जुड़ गए। संजय जी रखे अपनी बात, क्या राय आपकी? मैडम ये जो हूटर पे जितने भी नेता हैं छोटे हों या बड़े सारे के सारे गाड़ियों पे होटल लगा के चलते हैं। इसके अलावा जो छोटे नेता हैं किसी पार्टी के हों वो सब तो होटल ही लगा के चल रहे हैं, उससे हम लोगों को बहुत समस्या होती है। रोड पे चल रहे हो तो पीछे से कोई होटल बजता है तो एक्सीडेंट का तो रहता ही है मैटर। चाहिए ये कि पुलिस प्रशासन को इनको होटलों को पूरे के पूरे निकाल देने चाहिए। तो संजय जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका ये कहना है कि होटल को पूरी तरह से निकालना चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे काफी ज्यादा परेशान होती है। कई दफा ये भी होता है कि दुर्घटनाएं भी इससे हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी अपनी बात और अपनी राय रखने के लिए। इजहार हमारे साथ जुड़े, इजहार अपनी बात पूरी करें। देखिए तो कई दफा देखने में आता है कि जब पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने वाली होती है, उनको पकड़ लिया जाता है जो अनधिकृत रूप से हूटर लगाकर वाहन चला रहे होते हैं, शान शौकत दिखा रहे होते हैं, जब पुलिस उन पर कार्रवाई करने के लिए उन ऐसी गाड़ियों को पकड़ती है तब या तो बड़े अधिकारियों के फ़ोन आ जाते हैं या फिर किसी बड़े नेता का फ़ोन आ जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है, अगर किसी नियम को किसी को पालन करवाना है तो उसके लिए ज़रूरत है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, जो नेता हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि चाहे कोई भी समर्थक हो, चाहे परिवार वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, अगर वो अनधिकृत रूप से हूटर लगाकर चलता हुआ दिखाई देता है तो अगर ऐसे में पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो फिर उसको रिलैक्सेशन नहीं दिलाना चाहिए, उस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। साथ ही उसको यह भी कहना चाहिए कि अगली बार से होटल लगाकर मत जाना, तो इससे एक माहौल निर्मित होगा। लेकिन देखने में यह आता है कि मुहिम चलाई जाती है, जिस तरह से एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार मुहिम चला रहा है, हम रोजाना आपको दिखाते हैं कि सड़कों पर जो होटल लगा के चल रहे हैं हम उनसे जाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, पुलिस कोशिश भी करती है कार्रवाई की, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है कि जब वो किसी आम आदमी पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब कोई बड़ा या सत्ता से जुड़ा हुआ या किसी रसूखदार व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके लिए थोड़ी देर में फोन आ जाता है और मजबूरन पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई का डर रहता है। जी चलिए जरा दोबारा लौटूंगी, एक बार फिर से देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, हमने देखा था आप मंत्रियों से, विधायकों से, नेता से बातचीत कर रहे थे और सब यही कह रहे थे कि आप कह रहे हैं तो हम इसे हटा लेंगे। हमने जो रियलिटी चेक किया था, क्या उसके बाद कुछ असर देखने को मिल रहा है? किसी नेता, मंत्री या फिर विधायक की गाड़ियों से हूटर हटे हैं क्या?
नहीं, अभी ऐसा कुछ भी कोई असर देखने को नहीं मिला है कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, हर किसी के गाड़ियों में हूटर आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ तक कि अफसरों की, अगर नेताओं की बात तो छोड़ दें, अब अधिकारी अफसर वर्ग या कर्मचारी वर्ग के जो लोग हैं वो भी टॉप छाड़ने के लिए आम जनता के बीच में हूटर लगाते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर पाती है, चूंकि सत्ता का भय रहता है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं पुलिस भय की वजह से कार्रवाई नहीं कर पाती है, कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाती है। हालांकि पुलिस की गाड़ियों में भी, चाहे वो थानेदार की गाड़ी हो या बड़े लेवल के अधिकारी की पुलिस, उसमें भी हूटर लगा के चलते हैं, जब खुद ही पुलिस वाले कानून का उल्लंघन करते हैं। हालांकि पुलिस कुछ जो कंडीशन में उनको छूट दी गई है होटल लगाने की, लेकिन सभी गाड़ियों को छूट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस वर्ग के लोग हैं या आरटीओ के हैं, वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सभी अपनी गाड़ियों में होटल लगाए हैं। हालांकि सिर्फ ये सिंगरौली जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की कामोबस यही स्थिति है। जी रितु, चलिए अरविंद जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। अरविंद जी, देखिए पुलिस पर यहाँ पे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और देखिए सत्ता का भय क्या होता है, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात ये भी होती है अरविंद जी कि नेताओं पर जब कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ आम लोग जो कि इसे रॉब मानते हैं या अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं, वो भी अपनी गाड़ियों में हूटर लगाते हैं और सड़कों पर निकल जाते हैं। तो इसके लिए जरूरत ये भी होगी कि पुलिस यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करे, उसके तरफ से कड़े कदम उठाए जाएं। देखिए, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। पुलिस के जो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मुख्य रहते, जिस दिन वो पूरे प्रदेश में ये आदेश जारी कर देंगे, जिस दिन वो चाहेंगे, पुलिस उनके आदेश के अंतर्गत ही काम करती है। और उन लोगों का जो भी पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो या अच्छा बुरा जो भी निर्णय, हमारी गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट की राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस दिन होगी, पुलिस की कार्रवाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में हूटर दिखना बंद हो जाएंगे, हूटर बिकना बंद हो जाएंगे, और हूटर का जो अभियान चल रहा है आपका, वो सफल हो जाएगा। इसके लिए माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पुलिस को डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे जो MLA सांसद है जिनकी गाड़ी को पुलिस हूटर लगाती है, तो झूठी सच्ची शिकायतें करके कि इन्हें मिसबिहेव किया, इन्हें बदतमीजी की, ऐसे करके उनका नुकसान करती है। इसलिए सामान्यतः पुलिस अफसर लोग थोड़ा कार्रवाई करने में झिझकते हैं। हूटर अवैध है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हूटर हटाने के लिए पुलिस को थोड़ा सा राजनीतिक समर्थन चाहिए। चलिए अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इजहार का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। इजहार, अरविंद जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई करे, इसके लिए राजनीतिक समर्थन मिले तो शायद कोई बात बने। बिल्कुल, देखिए अरविंद से पहले भी मैंने यही बात की थी कि पुलिस कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करती है के ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो अनधिकृत रूप से होटल लगाकर चलते हैं, लेकिन जब कई लोग ऐसे होते हैं जब उन पर कार्रवाई की जाती है तो फिर उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, उनके लिए राजनेताओं के फ़ोन आ जाते हैं, किसी अधिकारी के फ़ोन आ जाते हैं। तो अगर इस मुहिम को कामयाब बनाना है, ये अगर VIP कल्चर को ख़त्म करवाना है, हूटर को हटाना है, तो ज़रूरत है पुलिस को पावर देने की, और ज़रूरत है कि जो राजनेता हैं उनका हस्तक्षेप बंद हो, तभी ये जो मुहिम है ये कामयाब हो पाएगी। अन्यथा आम लोगों पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जो VIP कल्चर का दिखावा करते हैं, जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उनकी गाड़ी को रोका जाता है, तो उसी दौरान किसी बड़े नेता का फोन आ जाता है और पुलिस को मजबूरन गाड़ी को छोड़ना पड़ती है। जी चलिए देवेंद्र का एक बार फिर शुरू करते थे। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी था, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, रियलिटी चेक आपने किया। देखिए मंत्री विधायक और नेताओं की गाड़ी पर तो हमने देखा कि हूटर थे, लेकिन कुछ आम लोग, कुछ रसूखदार लोग होते हैं, वो भी यही देखे कि जब इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम पर भी क्या कार्रवाई होगी, तो इसके चलते वो भी अपनी गाड़ियों में हूटर लगा के निकल पड़ते हैं। जो आम लोग मतलब उस तरह से नेता होते हैं, यानी छुटवैया नेता इसको कहते हैं, कि नेता होते हैं उनका भय नहीं रहता है कानून का, हॉर्न लगाते हैं और रॉब भी झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं VIP हैं। जब वो गलियों से या सड़कों से गुजरते हैं तो लोग यही समझते हैं कि कोई VIP नेता आ रहा है। तो ऐसे में देखिए पुलिस को इच्छा शक्ति यानी कार्रवाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि इस तरह से जो मोदी प्रधानमंत्री की मंशा थी कि VIP कल्चर समाप्त हो, लेकिन
मोदी की कहीं ना कहीं मंशा पर जो इस तरह की इच्छा शक्ति अगर नहीं है कार्रवाई करने की, जिस वजह से मंशा पर पानी फिर रहा है। हालांकि इच्छा शक्ति पुलिस को लानी चाहिए और बड़े जो गृह मंत्रालय है वहां से आदेश होना चाहिए सभी जिलों के पुलिस को कि तत्काल इस पर एक्शन ले और कोई ठोस कार्रवाई करे, तभी जाके वीआईपी कल्चर समाप्त हो पाएगा, चाहे कोई नेता हो या कोई अन्य प्रशासनिक अफसर हो, किसी को भी इस पे छूट न दी जाए। और अगर छूट दी जाती है तो फिर तो आम पब्लिक के साथ ये अन्याय ही होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जरूरत है तो कड़े कदम उठाने की, क्योंकि देखिए नियम तो बना है लेकिन नियम की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है, तो ऐसे में जरूरत है कि इस नियम को लोग जाने भी और यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी इस पर की जाए, तभी शायद ये जो हुटर हटाओ अभियान हमारी तरफ से चलाया जा रहा है सफल भी होगा। और हमारे साथ अरविंद जी जुड़े, हमारे जो सहयोगी जुड़े, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में।